अपन बहुत ही फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब तक जो आपने देखा वो बेसिक था, 9th 10th 11th को अपने याद दिलवाई थी। ट्वेल्थ का जो पहला टॉपिक ही क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। और पूरा जो चैप्टर है ना ट्वेल्थ का वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला बेस्ड, इससे आप फील करके समझेंगे। अगर आपको गहराई समझ में आ गई, इमेजिनेशन करोगे कि अच्छा ऐसा हो सकता है, इतना मैंने ड्रॉन किया, क्या हुआ नहीं हुआ, समझने वाला कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पर मतलब मैं कह रहा हूँ मतलब क्या है, ये फॉर्मूला कम लगाना है और दिमाग ज़्यादा चलाना है। अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा, और समझ में नहीं आएगा ना तो चाहे 10 मिनट लगा दो, चाहे 15 मिनट लगा दो, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन समझ में होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड खोल के रखना है, पूरा फोकस यहीं रखना है जो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्लास ट्वेल्थ का मेन पहला टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। फर्स्ट टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम से पता चल गया कि सर यहाँ तो कोई कंडीशनल की बात हो रही, कंडीशन की बात हो रही है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल दो, 2 कॉइन टॉस, आपने 2 सिक्के उछाल दिए, हाँ जी क्या क्या सकता है, हेड हेड, यस या ना तो बोलो, यस, एच टी हेड टेल, टेल हेड और टी। जब मैं 2 सिक्के उछालूंगा तो या तो हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या दोनों तरफ टेल आएगा, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 4। चारों के पास चांसेस है आने के, इसके अलावा कोई और बनेगा नहीं बन सकता। ई इवेंट, ई क्या कहता है, बोथ आर हेड, दोनों तरफ क्या आने चाहिए, हेड आने चाहिए। तो आपने क्या बोला कि सर इसके लिए तो केवल एक ही केस है, एच एच वाला, क्योंकि दोनों तरफ हेड तो ही आ रहा है, क्या आंसर आया, 1/4। आपने छूटते कह दिया कि सर जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। और अगर मैं एफ बोलूं, एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, एक से ज्यादा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक से कम हेड नहीं आना चाहिए, हाँ जी। 1, 2 केस और ये वाला केस, कितने केस बन रहे हैं यहाँ पर, एच एच भी बनेगा, टी एच भी बनेगा और एच टी भी बनेगा, कोई डाउट आता है, क्या आंसर आएगा, 3/4, ठीक है। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 1/4, और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 3/4। और अगर मैं वो कंडीशन दे दूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एट लीस्ट, गिवन दैट एट लीस्ट 1 हेड कम्स, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गिवन क्या दिया जाए आपको, अगर एटलीस्ट एक हेड कम्स, एक हेड आ जाए, अगर एक हेड आ जाए तो ई आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कंडीशनल का मतलब ही यही था कि आपको कंडीशन दे दी जाएगी, कंडीशन क्या दे दी, गिवन दैट, भाई गिवन क्या दिया हुआ है कि एटलीस्ट 1 हेड कम्स, कम से कम एक हेड तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और ऐसा किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो, ई की। तो ये जो है एटलीस्ट 1 हेड कम्स, ये क्या है बेटा, एफ, इसे मैं क्या लिख दूंगा नीचे, एफ, और किसकी बात कर रहे हैं हम, मेरे पास हम ई की बात कर रहे हैं। तो एफ तो हो चुका है गिवन दैट, जो चीज दे दी गई मतलब वो हो चुकी है, क्या लिख दूंगा उसके नीचे, हो चुका। थोड़ा मैं हिंदी में इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि वो फील हो जाए, समझ में आ जाए, गिवन दैट एटलीस्ट 1 हेड कम्स, क्या दिया है कि भैया कम से कम एक हेड आ चुका है, हो गया वो। अब एक बात बताओ, 3 केस गिवन है, अब इन 3 केस में से दोनों हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब क्या बोलोगे कि सर दोनों तरफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, और टोटल कितने केस है, 3। तो अगर हम बात करूं ई कंडीशनल एफ, ई कंडीशनल एफ, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 1/3, और एफ का मतलब क्या है यहां पर, हो चुका, जो चीज हो चुकी है
वो बता दी मैंने। क्या क्वेश्चन में दे रखा था, गिवन दैट क्या हो चुका है, एटलीस्ट वन हेड कम्स, कम से कम एक हेड आ चुका है, समझा है। तो आपको एफ में से ही ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या आंसर आया, 1/3, समझा। फील हुआ पूरा कि आपको वो बात इसमें से नहीं कर रहा है, इस बार यहां से बात कर रहा है। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट किसी के मन में नहीं है, अभी डाउट आएगा, ध्यान दो। अब मैं इसको कहता हूं फॉर्मूले बेस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखना। ए कंडीशनल एफ, बेटा एफ का मतलब क्या है यहां पर, हो चुका। ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय एफ, जो हो चुका है डिवाइड में आता है, जो हो चुका है। ई कंडीशनल ए इंटरसेक्शन एफ, सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों कॉमन क्या है ई और एफ में, एच एच, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। अगर हम बात करूं ई कंडीशनल एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4, टोटल तो 4 है ना, 1, 2, 3, 4, और कॉमन क्या है, 1/4 डिवाइड बाय, और बेटा एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, अरे एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4 से 4 कट गया, क्या आंसर आया, 1/3। क्या यहाँ पर 1/3 नहीं आ रहा था, चेक करो, क्या 1/3 नहीं आ रहा था, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये हमने फॉर्मूले से किया है, फॉर्मूला बेस्ड है, आपको भी बस यही फॉर्मूला लगाना है। ये तो पूरी गहराई थी समझने के लिए कि जो हम बात कर रहे हैं ना, वो कहाँ से बात कर रहे हैं। तो जो मेरा 1/3 आंसर आया है, वो मैंने कहाँ से देखा था, एफ वाले में से, क्योंकि एफ मेरा हो चुका है, जो चीज आ चुकी है, अब जो चीज आ चुकी है उसमें से ही मुझे ई वाली की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कोई डाउट यहाँ तक किसी मन में आया ना, नहीं, तो ये फॉर्मूला छोटा समझ में आया। और अगर बेटा मैं बोल दूं एफ कंडीशनल ई, तो क्या हो जाएगा, इस बार ई वाला हो चुका, इस बार क्या हो चुका है, ई हो चुका है, ऊपर तो कॉमन ही रहेगा, ई इंटरसेक्शन एफ, और डिवाइड बाय जो चीज हो चुकी वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना बच्चों को, वो समझने में आती है, यहां थोड़ा इंग्लिश का भी खेल है, अगर आपको इंग्लिश पढ़कर समझ में आ गया तो काम बहुत ईजी है, ठीक है। और थोड़ा सा अपने समझ में गलती कर दी, नहीं थोड़ा पकड़ पाए, तो क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। हाथ में पकड़ना कैसे इस क्वेश्चन को, वो समझना। आपको मैं कुछ वर्ड लिख दूंगा, उससे पहचान सकते हो आप। जैसे अगर बेटा आपके पास फाइन वर्ड लिखा हो, वट, तो समझना इसे क्या मानोगे आप, इसे ई क्या मानोगे, ई इवेंट मानोगे, मतलब इसकी बात वो करना चाह रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी वो जानना चाह रहा है। और जो चीज गिवन हो, इफ, अगर स्टेटमेंट क्या लिखा हो, गिवन इफ ऐसा वर्ड यूज हो, इफ दैट, तो आपसे क्या मानोगे, एफ, मतलब ये चीज हो चुकी है। कैसी रही छोटी सी ट्रिक, याद रहेगी, क्या बताया मैं दोबारा देखो, अगर फाइंड और वट होगा तो ई मान लेना, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी को निकालना चाह रहा है। लेकिन अगर गिवन और इफ हो, गिवन मतलब दिया है, इफ मतलब यदि, इफ दैट, तो उसे क्या बोलेंगे, हम हो चुकी है, इसकी बात हम कर चुके हैं, बात क्लियर है। तो आपको ई इस तरह से पहचानोगे और एफ ऐसे पहचानोगे, अगर आपने ये पहचान लिया तो सारा खेल ईजी हो जाएगा। तो किसी को डाउट इस क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, इसे फिर नोट करो। देखो अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कंडीशन प्रॉपर्टीज रिलेटेड। नंबर वन, तो पहली प्रॉपर्टीज क्या कहता है, एस कंडीशनल एफ इज इक्वल टू एफ कंडीशनल एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 1। अभी कैसे आया समझना, देखो इसको मैं क्या ले सकता हूँ बेटा, एस इंटरसेक्शन एफ, और नीचे लिखो क्या लिखूंगा, एफ, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, हो चुका, जो चीज गिवन होती है। यहाँ वाले को क्या लिखूंगा, हाँ एक सेकेंड समझना, देखो एस मतलब सैंपल स्पेस, एस का मतलब क्या है, सैंपल स्पेस, एस का मतलब मैं लिख दूं यहां पर सैंपल स्पेस। एक बात बताओ, सैंपल स्पेस में और एफ में कॉमन क्या होगा, कॉम एफ, क्योंकि एफ की बात तो समझ में मिलेगी मिलेगी, तो एफ वाले पार्ट में सैंपल में कॉमन क्या हो जाएगा, एफ, क्योंकि जो एफ के एलिमेंट्स हैं वो दोनों जगह ही है, एफ में भी हो सैंपल स्पेस में भी है, अपॉन में पी एफ कट के क्या आ जाएगा यहाँ पर, चेक करो, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब इसके बारे में समझते हैं, एफ कंडीशनल एफ अपॉन में पी एफ,
एफ कंडीशन, एफ क्या हो जाएगा, कोई डाउट समझ में आया कैसे किया? देखो एफ कंडीशनल एफ इंटरसेक्शन एफ, दोनों में इंटरसेक्शन लगा है एफ, तो एफ और एफ में कॉमन क्या है, एफ ही तो है, सारे एलिमेंट्स का शामिल हो जाएंगे उसके अंदर। नंबर टू देखो, नंबर टू प्रॉपर्टीज कहता है पी ए यूनियन बी कंडीशनल एफ, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे और एफ, ए यूनियन बी कंडीशनल क्या है यहां पर एफ, पी ए कंडीशनल एफ प्लस पी बी कंडीशनल एफ माइनस उन दोनों का इंटरसेक्शन, याद रहेगा दो, ये तो बेसिक फॉर्म में भी याद कर चुके हो, ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन का माइनस कर देते हैं, बस यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, कंडीशनल एफ आ चुका है। नंबर थ्री देखो, नंबर थ्री फॉर्म प्रॉपर्टीज पी ई कंडीशनल एफ प्लस ई डैश कंडीशनल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन।